राजस्थान के उदयपुर से कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का दूसरा दिन है। अलग अलग कमेटी एजेंडों पर पूरा दिन मंथन होगा। सुबह 10:30 बजे से आज के सत्र की शुरुआत होगी और रात 8 बजे तक अलग अलग कमेटियों के कोऑर्डिनेटर पैनल की बैठक होगी। चिंतन शिविर के लिए रिपोर्ट को दिया जाएगा और फाइनल रूप भी दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के उदयपुर से। कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा उदयपुर में हो चुका है। बैठकों का दौर चल रहा है और आज दूसरा दिन है शिविर का। आज कई कमेटियों की बैठक होगी और बैठक में कई फैसले भी लिए जाएंगे, कई बातें रखी जाएंगी और रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो आपको बता दें कि उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का महामंथन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, देश भर के 400 से अधिक नेताओं का जमावड़ा उदयपुर में है, राजस्थान के उदयपुर में चल रहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी बड़े नेता उदयपुर में मौजूद हैं। कल शिविर का पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। 10:30 बजे से शिविर का आयोजन होगा और रात 8 बजे तक लगातार बैठकें चलती रहेगी। अलग अलग कमेटी बनाई गई है, कमेटी का दायित्व अलग अलग लोगों को दिया गया है, उसी हिसाब से बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने आप को मजबूत करे, किस तरीके से देश में जाए, जमीनी स्तर पर काम करे, कार्यकर्ताओं के बीच जाए, इन सभी चीज़ों पर मंथन चल रहा है। तो आगामी चुनाव को लेकर ये महामंथन कांग्रेस पार्टी का बेहद ही खास कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूती से काम करे, इसको लेकर राजस्थान के उदयपुर में महामंथन चल रहा है।